हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ कॉपर टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल यानी धातुओं का जो है मानव की सभ्यता एवं संस्कृतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और जो कॉपर है यानी जिसे ताम्र भी कहते हैं, उसका जो है एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है मानव के सभ्यता में के विकास में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे दो इमेजेज आपको दिखलाई दे रही हैं। ये जो ताम्र वस्तुएं हैं, मेहरगढ़ के उत्खनन से प्राप्त हुई जो ये वस्तुएं हैं, और लगभग जो है ये 4000 ईसा पूर्व प्राचीन जो है ये वस्तु है, और भारतीय उपमहाद्वीप की वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल है, माने जाते हैं ताम्र वस्तुओं के सबसे आरंभिक जो है उदाहरण माने जाते हैं, जिसकी प्राप्ति हमें मेहरगढ़ से होती है। और इस प्रतिमा के साथ तो आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल है, जो कि ब्रॉन्ज मेज है। 19वीं सदी के अंत तक आते आते जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कॉपर के प्रयोग, आरंभिक प्रयोग से संबंधित अनेकों जो है प्रश्न जो है विद्वानों के और जो पुरातत्वविद हैं उनके दिमाग में जो है उपजते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है, GSI जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा जो किया गया था, और उन्होंने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में महाद्वीप में ताम्र खनिज के विस्तृत डिस्ट्रीब्यूशन को रेखांकित किया, तथा उसके साथ ही साथ जो है भारतीय उपमहाद्वीप में टीन, लेड, जिंक और आर्सेनिक के भी जो माइनिंग एरिया हैं उनको जो है उन्होंने अपने कार्यों से जो है चिन्हित किया। ये उनका जो है महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, और उसको मैप पर जो है आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन से ऐसे वो क्षेत्र थे जहाँ से हमें अर्लीस्ट माइनिंग के रिकॉर्ड हमें प्राप्त हो रहे थे, और कुछ तो ऐसे भी माइनिंग एरिया थे जो बहुत ही प्राचीन समय से जो है इनका प्रयोग जो है किया जा रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में राजस्थान की जो खेतड़ी माइन है वो भारत के प्राचीनतम कॉपर माइन में से एक मानी जाती है, जिसका प्रयोग जो है सिंधु सभ्यता के कंटेम्प्रोरी माना जाता है ये खेतड़ी माइन, और सिंधु सभ्यता के को कॉपर कॉपर ओर सप्लाई का एक महत्वपूर्ण जो है सोर्स ये माना जाता। तो यहीं पे आपको जो है आहार चालकृतिक कल्चर, जिसको आहार चालकृतिक कल्चर के बारे में भी वो खेतड़ी माइन के पास ही स्थित है, तो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में हमें दिखलाई देता है। कॉपर की खोज के साथ ही मानव के इतिहास में जो है एक नए युग का आरंभ होता है, जिसे चालकोलिथिक पीरियड अथवा ताम्रास युगीन काल जो है कहा जाता है। और इसकी सहायता से, इस धातु की सहायता से जो है मानव की जो डिपेंडेंसी है वो प्रस्तर और मिट्टी के से हटकर जो है मेटल के ऊपर जो उसकी डिपेंडेंसी हमें होती हुई दिखलाई देती है, और मेटल का एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है हमें मानव के साथ हमें दिखलाई देने लगता है। और इसका प्रयोग जो है मानव ने हंटिंग टूल्स के रूप में, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स के रूप में, और अदर्स वस्तुओं के निर्माण में, लाइक ऑर्नामेंट्स, डेकोरेटिव पीसेज एंड मिरर्स एट्सेट्रा के निर्माण में जो उसने इसका प्रयोग किया। कॉपर की ताम्र वस्तुओं की जो प्रयोग की जो सबसे अर्लीस्ट हमें रेगुलर यूज के जो साक्ष्य हैं, यानी साक्ष्य जो हमें वो नाल सिमेट्री जो कि क्वेटा में है से प्राप्त होते हैं, जिसकी तिथि 3rd millennium BCE यानी कि आस वर्त 3000 ईसा पूर्व की तिथियां हैं। हमने यहाँ पे आपको ये बताना जरूरी है कि रेगुलर कॉपर आर्टिफैक्ट्स यानी रेगुलर यूज ऑफ रेगुलर कॉपर आर्टिफैक्ट के जो जो साक्ष्य हैं यानी के साक्ष्य नाल सिमेट्री से हमें प्राप्त होते हैं, जो कि 3000 ईसा पूर्व
की तिथि है। इसके अतिरिक्त बलूचिस्तान में जो मेहरगढ़ है वहां से हमें कॉपर स्मेल्टिंग और कॉपर के प्रयोग के जो है सबसे अर्लीस्ट साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, जहां पे 5000 ईसा पूर्व जो है कॉपर के प्रयोग के साक्ष्य जो है कुछ पीसेज कॉपर की हमें फ्रैगमेंट्स यानी कि कुछ पीसेज जो है प्राप्त हुई है। पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में जो है कॉपर की गिनती की जाती है, और भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कॉपर का प्रयोग परंपरागत रूप से जो है धार्मिक क्रियाकलापों में इसका प्रयोग होता रहा है, तथा रसन रत्न समुच्चय एक एक अर्ली मेडल पीरियड का एक महत्वपूर्ण जो है केमिस्ट्री के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसमें हमें कॉपर के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड अनेकों जो है डिस्क्रिप्शन हमें प्राप्त होते हैं, और उसका प्रयोग किस प्रकार से कॉपर का प्रयोग किस प्रकार से आयुर्वेदिक एंड ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम में इसका प्रयोग किया जा रहा था, इसके भी साक्ष्य हमें रसन रत्न समुच्चय में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि तसीला से जिसका उत्खनन जो है मार्शल महोदय ने किया था उसकी डिटेल जो है रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और वहाँ से जो है आयुर्वेदिक जो जो इंडियन सर्जरी सिस्टम के जो टूल्स हैं यानी सर्जरी सर्जिकल टूल्स की जो प्राप्ति एक्सकवेशन में कॉपर के सर्जिकल टूल्स की प्राप्ति जो है वहाँ से तहसीला से हुई, और बहुत ही और वो सारे उपकरण वैसे ही हैं जिस प्रकार का डिस्क्रिप्शन जो है सुश्रुत संहिता में हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार के उपकरण जो है हमें तहसीला से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त कॉपर माइनिंग की जो सबसे रिकॉर्ड है हमें कौटिल के अर्थशास्त्र में कॉपर माइनिंग से रिलेटेड अनेकों डिस्क्रिप्शन प्राप्त होते हैं, जो कि 3rd century BCE का टेक्स्ट माना जाता है, तथा आईने अकबरी रिटन बाय शेख अबुल फजल जो कि 16वीं सदी का ग्रंथ माना जाता है, उसमें भी इससे संबंधित हमें अनेकों विवरण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमें देखते हैं कि कॉपर माइनिंग के एविडेंस 3rd century BCE से लेकर 16th century AD तक लगातार जो है अनेकों ऐसे ग्रंथों की हमें प्राप्ति होती है जिनमें इससे रिलेटेड एक्टिविटीज उसकी माइनिंग उसके प्रोसेस के बारे में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। टाइप्स ऑफ ओर की बात करें कि कॉपर के कितने प्रकार होते हैं, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जो है कॉपर अनेकों प्रकार के धातुओं के साथ जो है प्राप्त होता है, लगभग 165 धातुओं के साथ जो है वो कॉपर यानी कि CU जो है कहीं ना कहीं प्राप्त होता है, लेकिन उसको खनिज समूहों के दृष्टिकोण से 4 वर्गों में जो है कॉपर की लौ ताम्रा इसको को 4 वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। पहला जो वर्ग है वो है नेटिव ओर जिसमें जो कॉपर की मात्रा होती है वो बहुत ही कम्प्लीटली प्योर होती है, यानी 100% कॉपर जो है जिस 100% कॉपर ओर जहाँ पे प्राप्त होते हैं उसे नेटिव ओर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कॉम्प्लेक्स ओर भी दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स ओर है जिसमें कॉपर जो है मिक्स होता है, यानी कॉपर के साथ हमें जो है लेड जिंक गोल्ड और सिल्वर के साथ जो है जब हमें कॉपर की प्राप्ति होती है तो उसे कॉम्प्लेक्स ओर कहा जाता है। इसके तीसरा जो ग्रुप है वो है सल्फाइड ओर, एंड जो फोर्थ वन है वो है ऑक्सीडाइज ओर, वो उसके अंतर्गत रखा जाता है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कॉपर की जो माइनिंग एरियाज हैं उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है, और आप ये देख सकते हैं कि जो ये राजस्थान का जो क्षेत्र है जिसे हमने खेतड़ी माइन हमने इसका सबसे प्रमुख जो मेन माइनिंग एरिया है यहाँ पे कॉपर ओर की अच्छी कंसंट्रेशन हमें दिखलाई देती है। इसके अतिरिक्त सेंट्रल इंडिया में भी हमें दिखलाई देता है और गुजरात में भी हमें इसके अच्छे जो है सोर्सेज दिखलाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जो है पाकिस्तान के क्षेत्रों में और बलूचिस्तान के क्षेत्रों में भी कॉपर के अच्छी हमें संख्या हमें दिखलाई देती है, और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भी हमें कॉपर की संख्या दिखलाई देती है। बिहार और झारखंड
और उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हमें कॉपर माइनिंग का कंसंट्रेशन दिखलाई देता है। और इसके अतिरिक्त जो है डेक्कन प्लेटू और दक्षिण भारत में भी हमें जो है इसके कंसंट्रेशन जो है हमें दिखलाई देते हैं। तो लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे दिखलाई देगी, दोआब का क्षेत्र जिसे पश्चिमी यूपी कहते हैं, वहाँ पर तो कुछ कॉपर माइन के सोर्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द गंगा प्लेन, ये जो गंगा का मैदान है, ये कंप्लीटली जो है यहाँ पे कॉपर माइंस की हमें जो है कमी दिखलाई देती है, यानी कॉपर माइंस जो है ना के बराबर हमें दिखलाई देते हैं। और यहाँ पे आप उस लिस्ट को दे सकते हैं जिन पुरास्थलों को डिटेल यहाँ पर उनका नाम दिया हुआ है। ये जो मैप है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेट जिंक टीन और आर्सेनिक जो है कंसंट्रेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस मैप में दिखलाने का प्रयास किया गया है कि इनका कंसंट्रेशन जो है जो क्योंकि आप जानते हैं कि लेड जिंक और टिन आर्सेनिक का प्रयोग जो है कॉपर के साथ एलॉइंग करने में इनका प्रयोग किया जाता था। तो इसका कंसंट्रेशन आप झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल में इसका कंसंट्रेशन दिखलाई देता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी यूपी, राजस्थान के क्षेत्रों में भी हमें इसका कंसंट्रेशन दिखलाई देता है। लेकिन यहाँ अगेन आपका ध्यान इस बात की ओर इंगित करना आवश्यक है कि गंगा प्लेन में हमें लेड जिंक टिन और आर्सेनिक की प्राप्ति के माइंस जो खन जो की प्राप्ति जो है हमें नहीं होती है। और संभवतः यही कारण था कि इंडस और सरस्वती के वैली में हमें सिविलाइजेशन दिखलाई देती है, बट गंगा प्लेन में हमें सिविलाइजेशन ना नहीं प्राप्त होती। इसका यही कारण था कि इस एरिया में कॉपर की प्राप्ति नहीं होती। और लेकिन आयरन के सोर्सेज जो हैं इसके गंगा प्लेन के जो सराउंडिंग एरियाज हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, और इसलिए हमें गंगा प्लेन और उसके सराउंडिंग एरिया में आयरन के अर्लीस्ट डेट्स जरूर प्राप्त होती है, बट कॉपर जो है हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूशन में ना के बराबर प्राप्त। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कॉपर के विकास के को निम्नलिखित चरणों में जो है विभाजित किया गया है। पहला जो चरण माना जाता है वो है प्री इंडस सिविलाइजेशन फेज, यानी कि प्राक सैंधव संस्कृतियों के साथ हमें कॉपर के प्रयोग के अर्ली साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है आपका मेहरगढ़ नाल जो कि क्वेटा और बलूचिस्तान में है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो है इंडस सिविलाइजेशन में कॉपर का हमें एक्सटेंसिव यूज दिखलाई देता है। और यहाँ पर आप जैसा जानते हैं कि कॉपर के साथ एलॉइंग करने के भी हमें एविडेंसेज हमें प्राप्त होते हैं। लेट हरप्पन कल्चर जो है, लेट हरप्पन लेवल्स एंड द नियोलिथिक चालकोलिथिक कल्चर ऑफ प्राइमरली नॉन हरप्पन लेवल्स जो हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण हमारे पास स्रोत हैं जहाँ से हमें कॉपर से रिलेटेड एविडेंसेज प्राप्त होते हैं। चौथा जो चरण है वो है वर्ग है वो है कॉपर होर्ड्स। इसके बारे में आप संभवतः आप जानते होंगे, जो ताम्र निधियाँ प्राप्त हुई हैं स्पेशली वेस्टर्न यूपी से, पश्चिमी यूपी और हरियाणा के क्षेत्रों से, ये महत्वपूर्ण है। और इनका जो एसोसिएशन है वो ओसीपी कल्चर साथ माना जाता है। एंड प्रोटो हिस्टोरिक आयरन एज कॉन्टेक्स्ट, यानी आयरन एज के साथ कॉपर की क्या संख्या है, कितने प्रतिशत में कॉपर प्राप्त होते हैं। एंड अर्ली हिस्टोरिक साइट्स, यानी जो आरंभिक ऐतिहासिक जो पुरास्थल हैं जैसे सोलह महाजनपद वगैरह, और उनके साथ जो है हमें कॉपर की कितनी नंबर्स प्राप्त होती हैं, किस संख्या में कॉपर प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन अपने अगले स्लाइड्स में करेंगे। इसके अतिरिक्त कॉपर का प्रयोग आप जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाइंस के रूप में भी हुआ है, एज वेल एज मेटल्स कल्चर्स में भी जो है इसका प्रयोग हमें दिखलाई देता है। इस मैप में आप जो मेजर साइट्स मेंशन इन द टेक्स्ट, यानी कि उन प्रमुख पुरास्थलों का जो है यहाँ पर उनकी प्लॉटिंग की गई है जहाँ से हमें कॉपर के एविडेंसेज प्राप्त हुए हैं। और कंसंट्रेशन अगर आप देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, यानी पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है, वहाँ पर हमें इसका कंसंट्रेशन दिखलाई देता है। तो यही वो क्षेत्र है जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है फ्लरिश होते हैं, तो यहाँ पर इसके अच्छे प्रयोग के साथ हमें दिखलाई देते हैं। और वेस्टर्न यूपी और राजस्थान का जो क्षेत्र है, हरियाणा का, यहाँ भी हमें इसके अच्छे साक्ष्य हमें
इसके प्रयोग के। पुरास्थलों की संख्या भी यहाँ पे हमें अधिक दिखाई देती है और कुछ मात्रा में पुरास्थल हमें झारखंड और बंगाल के क्षेत्रों में भी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो मैप में आप ये विजिव क्लियरली देख सकते हैं कि जो गंगा प्लेन है, स्टिल यहाँ पर ऐसे पुरास्थलों की संख्या नेग्लेक्टेड है या बहुत ही लेस नंबर के रफ साइट्स हैं जहाँ से हमें कॉपर के अच्छी संख्या जो है हमें प्राप्त होती है, उसके बहुत ही कम हमें पुरास्थलों की प्राप्ति होती है। द फेज बिफोर द इंडस सिविलाइजेशन, इसे जो है प्री इंडस फेज भी कहा जाता है। बेसिकली ये जो एरा है या जो काल है वो क्रोनोलॉजिकली और ज्योग्राफिकली ये जो कल्चर है वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ हमें दिखाई देता है। और लगभग क्रोनोलॉजिकल जो फ्रेमवर्क की बात करें तो 6000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 2600 ईसा पूर्व तक का जो फेज है उसे हम प्री हड़प्पन कल्चर या प्री इंडस सिविलाइजेशन जो है उसे कहा जाता है। कॉपर की जो सबसे प्रथम जो एविडेंस की बात करें वो हमें बलूचिस्तान के बोलन वैली में मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, जहाँ पर हमें कॉपर के प्रयोग के पूरी कल्चर सीक्वेंस हमें दिखलाई देती है। और जो फर्स्ट जो बिगिनिंग हमें दिखलाई देता है यानी कॉपर के प्रयोग का जो प्रथम साक्ष्य जो हमें प्राप्त होता है वो है एक कॉपर बीड यानी कि ताम्र मनका की प्राप्ति होती है प्रथम काल के ऊपरी स्तर से, जो कि एक चाइल्ड बरियल है उसमें हमें एक कॉपर बीड की जो है प्राप्ति होती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे अर्लीस्ट कॉपर का एविडेंस माना जाता है मेहरगढ़ से। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है मेहरगढ़ के पीरियड थर्ड, जो कि मेहरगढ़ का पीरियड थर्ड है, वहाँ से हमें स्मेल्टिंग एक्टिविटी, कॉपर स्मेल्टिंग एक्टिविटी के कुछ कुछ एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, जिसकी पुष्टि जो है टेराकोटा क्रुसिबल यानी मिट्टी के बने हुए घरिया बोलते हैं उसे, क्रुसिबल को घरिया बोला जाता है, जिसमें धातुओं को पिघलाया जाता था, उसमें उसकी प्राप्ति होती है पीरियड थर्ड से। और उसमें उस क्रुसिबल में हमें कॉपर की जो है एक पूरी पैटर्नेशन, पूरी कोटिंग हमें दिखलाई देती है। और ये जो फेज है इसे जो है फिफ्थ मिलेनियम बीसी का जो है लास्ट फेज माना जाता है, जिसमें हमें कॉपर के एविडेंस प्राप्त होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग कॉपर का जो प्रयोग है आरंभ है वो पीरियड फर्स्ट में 6000 बीसी में लगभग जो है इसका प्रयोग का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। फिफ्थ 5000 ईसा पूर्व में लगभग हमें क्रुसिबल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनमें कॉपर की पूरी पैटर्नेशन हमें दिखलाई देती है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस क्रुसिबल का प्रयोग कॉपर स्मेल्टिंग के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त फोर्थ मिलेनियम बीसी यानी 4000 ईसा पूर्व तक आते आते मेहरगढ़ में हमें जो है मेटल के यूज के बहुत ही अच्छे साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होती है, लाइक जैसे नॉलेज ऑफ लेड, सिल्वर, निकल एंड गोल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी, एविडेंसेज भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होती हैं। एंड नाल जो जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं वो बलूचिस्तान में ये भी है, यहाँ भी कॉपर मेटलर्जी के बहुत ही अच्छी जो है एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं। तो हमने आपको बताया कि आपको बताया कि मेहरगढ़ और नाल जो है, जो नाल सिमेट्री है, ये कॉपर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट कॉपर से रिलेटेड एक्टिविटी के जो है सबसे आरंभिक जो साक्ष्य है वह हमें इन क्षेत्रों इस मैप में आप उन पुरास्थलों को देख सकते हैं, पूरी लिस्ट दी हुई है, जैसे लाइक मेहरगढ़ पीरियड फर्स्ट से बीड की प्राप्ति हुई, पीरियड टू से जो है बीड एंड रिंग प्राप्त हुआ, पीरियड थ्री से क्रुसिबल, जैसा कि आप जानते हैं क्रुसिबल की प्राप्ति हुई, इसके बाद लगातार हमें इनकी संख्या और इनके जो है क्वांटिटी में हमें ग्रेजुअल जो है डेवलपमेंट हमें दिखलाई देता है। किले गुल मोहम्मद, दम सादात, बालाकोट, गुमला, आमरी, कोट दीजी, हाकरा,
कालीबंगा, बनावली, हरप्पा, धौलावीरा, ये कुणाल, ये सभी जो है प्री हरप्पन फेज हैं, जहाँ से हमें अर्लीस्ट जो है उसकी प्राप्ति होती है कॉपर की। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माण एवं विकास में जो जिस धातु का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो कॉपर थी। एंड कॉपर और टिन के एलॉइंग से जो ब्रॉन्ज बना उसका महत्वपूर्ण जो है योगदान माना जाता है। और संभवतः इसीलिए जो है सिंधु सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि मेनली जो है इस फेज तक आते आते जो कॉपर टेक्नोलॉजी या कॉपर टेक्नोलॉजी कॉपर तकनीकी जो मेहरगढ़ नाल में डेवलप हो रही थी, और इस फेज तक आते आते जो है वो अपने एक डेवलप फॉर्म में हमें दिखलाई देती है। और इस काल तक आते हैं तो जो इंडस सिविलाइजेशन के जो मेटलर्जिस्ट थे वो डिफरेंट वैरायटी के जो है एक्सपेरिमेंट भी करने लगे थे। सिंधु सभ्यता के जो लगभग सभी पुरास्थलों से हमें कॉपर ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होती है, जो लेकिन प्रमुख जो पुरास्थल है उनमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चौहंदड़ो, रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, कुनाल, ये सभी जो पुरास्थल हैं हमें यहाँ से कॉपर ऑब्जेक्ट्स की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट की भी प्राप्ति हमें इन पुरास्थलों से होती है। एंड जो जो मेटल वर्कर्स थे सिंधु सभ्यता के, वो कॉपर के साथ साथ ब्रॉन्ज जो कि एलॉय मेटल है, लेड, सिल्वर, गोल्ड के साथ भली भांति परिचित थे। इसके साथ ही साथ सिंधु सभ्यता के जो मेटल वर्कर्स थे वो इलेक्ट्रम एक प्रकार का एलॉय मेटल है जो कि एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, उससे भी ये परिचित थे। दूसरा जो इस काल के जो धातुकर्मी थे वो कॉपर शीट्स का प्रयोग मुख्य रूप से जो है कर रहे थे, और उनका निर्माण जो है कॉपर शीट्स का प्रयोग जो है वेसल्स के रूप में कर रहे थे। एंड ब्रॉन्ज का मोस्टली यूज जो हो रहा था वो क्राफ्ट वगैरह के क्षेत्रों में जो है फील्ड में जो है ब्रॉन्ज का प्रयोग कर रहे थे। एंड इसके अतिरिक्त उसका प्रयोग जो है कास्टिंग पर्पज में भी किया जा रहा था, और सीरे परज्यू जिसको लॉस्ट वैक्स मेथड भी कहा जाता है, इसमें भी इसका प्रयोग जो है ब्रॉन्ज का प्रयोग किया जा रहा था। और बहुत फेमस जो मोहनजोदड़ो की जो डांसिंग गर्ल है बहुत ही फेमस है, वो वन ऑफ द फर्स्ट मेटल आर्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में जो है हमें दिखलाई देती है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से जो है बहुत ही हमें गुड नंबर ऑफ स्पेसिमेंस कॉपर स्पेसिमेंस की प्राप्ति होती है, स्पेशली कॉपर एंड ब्रॉन्ज बोथ इम्प्लीमेंट्स की प्राप्ति होती है, जिसमें इम्प्लीमेंट्स हैं, टूल्स, वेपन्स हैं। वेपन्स में भी मुख्य रूप से एक्स, डैगर, नाइव्स, स्पेयर्स, एरो हेड, स्वॉर्ड, चीजल, ड्रिल्स, फिश हुक, मेटल मिरर्स की प्राप्ति होती है। लगभग जो 70% जो टूल्स हैं वो अनएलॉयड हैं, जिनमें हमें टिन की मात्रा लगभग 1% प्राप्त होती है। एंड ओनली 14% जो टूल्स हैं उनमें हमें एलॉइंग प्राप्त होता है, यानी टिन की मात्रा जो है 8 to 12% जो है टिन जो है हमें इन ताम्र वस्तु में हमें दिखलाई देती है, वो उनकी संख्या सिर्फ 14% है। तो इस काल तक हम ये देखते हैं कि आते आते जो है कॉपर और ब्रॉन्ज जो है कॉमन यूज, यानी कि आम सिंधु सभ्यता के आम जनजीवन में एक महत्वपूर्ण धातु के रूप में हमें दिखलाई देने लगते हैं, और उनका कॉमन जो है यूज हमें दिखलाई देने लगता है। इसके अतिरिक्त जो है सिंधु सभ्यता के जो धातुकर्मी थे कॉपर के साथ आर्सन की एलॉइंग में भी उनको जो है एक्सपर्टीज थी, और वो लो ग्रेड ब्रॉन्ज बनाने के लिए जो है आर्सेनिक का प्रयोग जो है कर रहे थे। सिंधु सभ्यता की एक अन्य महत्वपूर्ण जो हमें विशेषता दिखलाई देती है वो है कॉपर मिरर, जो कि अनेकों सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो में भी प्राप्त हुई है। एंड यहाँ पर जो एग्जांपल हमने आपको दिखाया है वो है कॉपर मिरर फ्रॉम राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है, वहाँ की ये कॉपर मिरर है। और ये पूरा एक मिरर का सेफ है, और इसमें एक आपको हैंडल बना हुआ दिखलाई देता है, जिसमें एक आपको एक
ड्रिल किया हुआ एक होल भी आपको छिद्र भी दिखलाई देगा। बेसिकली इसके साथ जो है वुडेन वुडेन और आइवरी हैंडल को जो है यूज किया जाता था, और इसके ऊपर जो है कॉपर सीट के ऊपर जो है पॉलिशिंग की जाती थी, और उसमें जो है रिफ्लेक्शन पॉलिशिंग इतनी ज़्यादा की जाती थी कि उसमें जो है रिफ्लेक्शन पैदा होता था, और इसका प्रयोग जो है मिरर के रूप में जो है किया जाता, इस प्रकार किया जाता था। इस प्रकार के ट्रेडिशन भारतीय उपमहाद्वीप में आज भी जो है कंटिन्यू हैं, और सिर्फ इंडस सिविलाइजेशन में ही कॉपर मेटल का प्रयोग, कॉपर मिरर का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ हिस्टोरिक पीरियड में हमें गुप्तकाल में भी ऐसे बहुत सारे पुरातत्व प्राप्त हुए हैं जहाँ पे हमें कॉपर मिरर के एविडेंसेज हमें दिखलाई देते हैं, और स्टिल दक्षिण भारत के तमिलनाडु में आज भी जो है कॉपर मिरर जो है बनाए जाते हैं, और जो कि बहुत ही लग्जरियस आइटम के रूप में माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है मोहनजोदड़ो के उत्खनन से हमें बर्न शेप, मोहनजोदड़ो एवं लोथल के उत्खनन से हमें बर्न शेप में इनगॉट कॉपर इनगॉट की प्राप्ति होती है, और ये जो कॉपर इनगॉट है यानी कि कॉपर के पिंड हैं जिसको बोला जाता है, वो 99.4 to 99.8% तक प्योर हैं, और संभवतः ऐसा माना जाता है, मैके जैसे स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि ये जो है रफ मेटल के रूप में इनको उन्होंने कंसीडर किया, और उनका ऐसा मानना था कि संभवतः ये मेसोपोटामिया की जगहों से इनको लेकर आए होंगे, और भारत सिंधु सभ्यता में इनका जो है इम्पोर्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त जो है किल्न के एविडेंसेज यानी कॉपर मेल्टिंग करने के जो फर्नेसेज हैं उसके साक्ष्य तो हमें प्राप्त नहीं होते, लेकिन क्रूसिबल के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं, जो कि ये स्पष्ट करता है कि लोथल में जो है लोकल स्मेल्टिंग यानी स्थानीय रूप से लोहा का प्रगलन जो है किया रहा था। लेटर अपन लेवल की बात करें तो लेटर अपन लेवल की जो है मुख्य रूप से अधिकतर मैच्योर हड़प्पन पुरास्थलों के साथ भी प्राप्त होते हैं, और जिनके बारे में हम पिछले स्लाइड में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो है लेटर अपन फेज में या लेवल से जो है कॉपर ब्रॉन्ज की हमें जो है प्रयोग हमें दिखलाई देता है, किंतु जो उनकी संख्या है वो हमें बहुत ही लिमिटेड नंबर में दिखलाई देती है, बहुत ही कम संख्या में इनका प्रयोग दिखलाई देता है, और कोई भी न्यू वैरायटी या कोई नया प्रकार जो है हमें इमर्ज होता हुआ नहीं दिखलाई देता है। इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसे पुरास्थल हैं जहाँ से जो कि लेट हड़प्पन फेज के माने जाते हैं, जैसे कि हुलास इन वेस्टर्न यूपी, रोजदी इन सौराष्ट्र, दैमावत इन महाराष्ट्र के साथ साथ दौलतपुर, दधेरी, भगवानपुरा, संघोल, बारा और मिथाथल, ये सभी प्रमुख जो है लेट हड़प्पन साइट्स हैं। दैमावत जो है लेट हड़प्पन फेज की बात करते हैं तो दैमावत जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है पुरास्थल के रूप में हमें दिखलाई देता है, क्योंकि यहाँ से हमें ब्रॉन्ज हॉर्ड्स की प्राप्ति हुई यानी काश्य की निधियां जो है हमें प्राप्त होती हैं एक खेत से, और जिसमें चार जो है हमें प्रमुख ब्रॉन्ज की ब्रॉन्ज वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। एक है चैरियट, चैरियट विथ बुल एंड मैन, ड्राइवर बाय मैन, एंड दूसरा है एलिफेंट, तीसरा है राइनोसोरस एंड चौथा है बफेलो। ये चारों की चारों जो है जब इंडियन मेटलर्जिस्ट कॉपर एंड ब्रॉन्ज की डेवलपमेंट और उसके डिस्कवरी की बात हम जब करते हैं, उसके विकास की जब बात करते हैं, तो दायमाबाद जो है एक महत्वपूर्ण जो है एविडेंस के रूप में उसकी काउंटिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ से हमें लेटर अपन फेज से जो है ब्रॉन्ज हॉर्स की प्राप्ति होती है, और ये बहुत ही बड़े आकार मतलब बहुत ही सॉलिड जो है ये वस्तुएं कास्ट करके निर्मित की गई हैं। इसके अतिरिक्त जो है कॉपर
कॉपर की प्राप्ति न्योलिथिक चालकोलिथिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें आउटसाइड हरप्पन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, तो उसमें सबसे प्रमुख है आपका घालीगई इन स्वात वैली और बुरझोम इन कश्मीर। ये जो दो महत्वपूर्ण ऐसे हमें क्षेत्र दिखलाई देते हैं जो कि न्योलिथिक चालकोलिथिक कॉन्टेक्स्ट के रूप में हमें दिखलाई देते हैं, और यहाँ से हमें कॉपर की प्राप्ति जो है अर्ली सेकेंड मिलेनियम BCE में हमें जो है कॉपर के एविडेंस की प्राप्ति होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पुरास्थल है वो है आहार, जो कि एक चालकोलिथिक साइट है। यहाँ पे हमें कॉपर मेटलर्जी के बहुत ही वेल स्ट्रेटिफाइड एविडेंस जो है प्राप्त होते हैं, और आहार जो है अरावली रीजन की जो कॉपर ओर माइंस एरिया थी उनके पास जो है ये स्थित था, और खेतड़ी जो है आहार के पास ही एक स्थित पुरास्थल है। इसके अतिरिक्त जो है साइट्स लाइक कायथा नावदा टोली जो है वो भी एक हमें इम्पोर्टेंट क्लू अवेलेबल करवाते हैं कॉपर मेटलर्जी से रिलेटेड। एंड यहाँ से हमें जो है टेराकोटा मोल्ड की प्राप्ति होती है, एंड जोरवे स्वालदा चंदोली नेवासा दैमाबाद, दैमाबाद की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, इनाम गांव से भी हमें कॉपर ब्रॉन्ज के जो है अनेकों जो है उपकरणों की प्राप्ति जो है महाराष्ट्र क्षेत्र से होती है। और दैमाबाद से हमें कॉपर के लोकल स्मेल्टिंग के जो है साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होते हैं, लाइक हाउस नंबर 9 कंटेंस 2 फर्नेसेज एंड हाउस नंबर 10 जो है एक क्रूसिबल की प्राप्ति हुई है। इसके साथ ही साथ न्योलिथिक चालकोलिथिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमें केरल और तमिलनाडु से हमें इस प्रकार के न्योलिथिक चालकोलिथिक कॉन्टेक्स्ट के कोई भी साक्ष्य हमें दिखलाई नहीं देते हैं यहाँ पे, यानी कि न्योलिथिक चालकोलिथिक के एविडेंसेज लगभग ना के बराबर हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से हमें जो है बहुत सारे ऐसे पुरास्थलों की प्राप्ति होती है जो कि न्योलिथिक चालकोलिथिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ऐसे पुरास्थल जहाँ पे न्योलिथिक के जस्ट बाद जो है चालकोलिथिक कल्चर स्टार्ट हो जाता है उनको हम न्योलिथिक चालकोलिथिक होराइजन कहते हैं। इसमें कर्नाटक के पुरास्थलों की बात करें तो हल्लोर पिकलीहल मास्की तेक्कलकोट्टा ब्रह्मगिरी एंड नागार्जुनकोंडा जो है महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, तथा गंडलरू चिन्नमरूर इत्यादि जो है ये भी महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में दिखला देते हैं। वेस्ट बंगाल में जो है महिषदल पांडु राजारधिबी बाहिरी मंगलकोट जो है यहाँ से हमें कॉपर के अच्छे और इम्पोर्टेंट एविडेंसेज हमें प्राप्त होते हैं, और जिनके साथ साथ ईस्टर्न इंडिया में यानी पूर्वी भारत में कॉपर के प्रयोग के एविडेंस को हम समझ सकते हैं। बिहार में हमें गुड नंबर ऑफ साइट्स प्राप्त होते हैं जहाँ से हमें न्योलिथिक चालकोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में जो है कॉपर की प्राप्ति होती है, जैसे ताराडी चिरांत ओरियव सिनवार एंड सोनपुर, एंड सिनवार से हमें जो है टीसी क्रूसिबल की प्राप्ति महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मानी जाती है। एंड ईस्टर्न यूपी में जो चालकोलिथिक कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर जो है कॉपर की प्राप्ति सोगोरा नरहन और खैराडी जैसे पुरास्थलों से इसकी प्राप्ति होती है। एंड वेस्टर्न यूपी में जो है कॉपर की जो प्राप्ति होती है वो सिपी कॉन्टेक्स्ट में होती है, यानी ऑकर कलर पॉटरी के साथ होती है, और जो प्रमुख पुरास्थल है वो सईपई है। एंड इसके अतिरिक्त जो अन्य पुरास्थल है वो लाल किला अतरंजी खेड़ा भी से भी हमें गुड नंबर ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स की जो है प्राप्ति होती है। कॉपर हॉर्स, इसकी चर्चा हमने पहले बताया था कि कॉपर हॉर्स जो है बेसिकली इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो कंसंट्रेशन दिखलाई देता है वो जो है अपर गंगेटिक वैली मेनली जो दुआब रीजन है वेस्टर्न यूपी का वहाँ पर हमें इसका जो कंसंट्रेशन दिखलाई देता है। इसके अतिरिक्त जो है कॉपर हॉर्स जो है हमें छोटा नागपुर प्लेटू बिहार और बंगाल और उसके एडज्वाइनिंग एरिया जो उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ भी हमें कॉपर हॉर्स की प्राप्ति होती है, पर जब सबसे प्रमुख जो कॉपर हॉर्स हैं वो वेस्टर्न यूपी के हैं यानी दोआब क्षेत्र से प्राप्त होने वाले, और इसमें कॉपर के अनेकों प्रकार की हमें वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। जो मेन फीचर्स है एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स, ये जो इमेजेज हैं इनको एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर कहा जाता है। इनका पर्पज जो है स्पष्ट नहीं है कि इनको बनाने का जो पर्पज क्या रहा होगा ये स्पष्ट नहीं है, ये मानव आकृतियों के रूप में इनका जो है हमें
फिगर जो है निर्मित है। इसके अलावा हार्पून, एंटनी स्वॉर्ड्स, फ्लैट एक्सिड बार, बैंगल्स बार, सेल्ट एंड परसू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वॉर्ड्स हैं एंड एक्सिड हैं एंड बार सेल्ट सेल्ट हैं, हारपून्स हैं, एंटनी स्वॉर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वस्तुएं बैंगल्स हैं। ये ह्यूज नंबर में हमें जो है वेस्टर्न यूपी पे प्राप्त हो। प्रोटोहिस्टोरिक आयरन एज कॉन्टेक्स्ट, बेसिकली ये जो एज है यानी आयरन एज जो जिसे हम कहते हैं ऐसे पूरा स्थल जो कि आयरन एज से एसोसिएटेड है वहाँ पर हमें भी कॉपर की कुछ वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें विदर्भ जो मेगालिथिक क्षेत्र है, विदर्भ यानी कि आज वर्तमान में महाराष्ट्र का नागपुर का जो क्षेत्र है वो विदर्भ क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर एस बी देव ने जो है चकलघाट खापा के उत्खनन से जो है कॉपर की कुछ वस्तुओं की प्राप्ति हुई थी, लाइक जैसे बैंगल्स बेल्स डिसेज जो है की प्राप्ति होती है, और जिससे स्पष्ट होता है कि टकलघाट खाफा के जो मेटल वर्कर थे वो कॉपर ब्रॉन्ज और कॉपर एलॉइंग की तकनीकों से जो है भली भांति जो है परिचित थे। एंड सेंट्रल इंडिया में जो है मध्य भारत में जो है नागदा से हमें कॉपर टूल्स और उसके उससे संबंधित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। एंड गंगेटिक वैली की बात करें तो पीजीडब्ल्यू लेवल से हमें कॉपर की कुछ वस्तुओं की जो है प्राप्ति होती है, जैसे अतरंजीखेड़ा हस्तिनापुर से हमें कॉपर ऑब्जेक्ट्स की प्राप्ति होती है। अर्ली हिस्टोरिक साइट्स, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ अर्ली हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स का जो है एक्सकवेशन हुआ है, और ज़्यादातर जो एक्सकवेशन हुए हैं वो वर्टिकल एक्सकवेशन हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि वर्टिकल एक्सकवेशन क्या होते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन क्या होते हैं। तो वर्टिकल एक्सकवेशन होने के कारण जो है हमें जो इसमें जो है एंटिक्विटी की जो प्राप्ति होती है वो बहुत ही कम प्राप्त होती है। तो इसका प्रभाव हमें कॉपर के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी दिखलाई देता है, जो कि हमें बहुत ही कम संख्या में वेरी लेस नंबर ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट जो है हमें अर्ली हिस्टोरिक पूरा आर्कियोलॉजिकल साइट्स से हमें प्राप्त होते हैं। बट गुड नंबर ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम तहसीला, हमें यहाँ से बहुत ही अच्छी संख्या में ताम निर्मित वस्तुओं की प्राप्ति जो है हुई है। स्पेशली तहसीला में जैसा आपके जानते हैं कि तीन महत्वपूर्ण टीले हैं, भीड़, सिरकप एंड सिरसुख, इन तीनों पुरास्थलक उत्खनन से हमें बहुत ही अच्छी संख्या में कॉपर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स की प्राप्ति होती है। एंड सभी के सभी जो है वेल वेल एक्सपोज्ड हैं एंड वेल डॉक्यूमेंटेड जो है माने जाते हैं। और यहाँ पे आपको ये बताना भी आवश्यक है कि जो जसिला की रिपोर्ट है वो सबसे आइडियल वन ऑफ द मोस्ट आइडियल रिपोर्ट के रूप में जो है काम की जाती है, जिसके जो एडिटर हैं वो जॉन मार्शल हैं। इसके अतिरिक्त जो है गंगेटिक वैली से जो है हमें अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो यहाँ से भी हमें बहुत ही लेस नंबर में जो है कॉपर ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होती है, और जो एनालिटिकल डाटा है इस लेवल का उसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें राजघाट में जो है हमें हमें दिखलाई देता है। इसके अतिरिक्त गंगेटिक वैली के खैरा डी के से भी जो है हमें अच्छी एनालिटिकल डाटा जो है कॉपर के प्रयोग और उसके उपकरणों से संबंधित डेटा जो है राजघाट और पैराडी से हमें प्राप्त होते हैं। ये केटीएम हेगड़े के द्वारा जो है खोजा गया कॉपर स्मेल्टिंग फर्नेस है, जिसका रिकंस्ट्रक्शन जो है केटीएम हेगड़े ने किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्वेर्स जिसके थ्रू जो है ब्लो किया जाता था, एयर को ब्लो किया जाता था, वो यहाँ पर जो कि टेराकोटा के बने होते थे उनको यहाँ पर दिखलाया गया है। और ये ब्रिक प्लेटफॉर्म है और ये क्रूसिबल है, ये जो आपको दिखलाई दे रहा है ये क्रूसिबल है, और यहाँ पर एक आपको आउटलेट दिखलाई दे रहा है, स्लैग टैपिंग होल वो दिखलाई दे रहा है एंड टेराकोटा फर्नेस वॉल, और ये पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्शन जो है केटीएम हेगड़े साहब ने जो है किया है।
इस मैप में आप उन डिफरेंट वैरायटी के क्रूसिबल्स को देख सकते हैं, जैसे नंबर वन एंड टू ये टेराकोटा क्रूसिबल इन लोथल के हैं, एंड थ्री जो है स्टोन क्रूसिबल फ्रॉम लोथल है, स्टोन का बना हुआ क्रूसिबल है, नंबर फोर एंड फाइव टेराकोटा क्रूसिबल फ्रॉम चालकृतिक फेज ऑफ आहार, जो नंबर फोर एंड फाइव है ये आहार के चालकृतिक फेज से प्राप्त हुआ है, एंड नंबर सिक्स एंड सेवन क्रूसिबल फ्रॉम एनपीपी फेज ऑफ अतरंजखेड़ा, एंड एट इन एट टू टेन आठ नौ दस जो क्रूसिबल हैं, एट नाइन टेन ये जो है हमें प्राप्त होते हैं राजघाट, जो कि एनसिन काशी है, वहाँ से हमें ये क्रूसिबल प्राप्त हुए हैं, एंड इलेवन टू सिक्सटीन जो है क्रूसिबल्स फ्रॉम एनबीपी फेज ऑफ तहसीला, 11 से लेकर 16 तक के जो ये क्रूसिबल हैं ये हमें तहसीला से प्राप्त हुए हैं, एंड 17 टू 21 क्रूसिबल जो है वो 17 से 21 तक के जो क्रूसिबल हैं वो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड भूकर्दन से जो है हमें प्राप्त हुए हैं, एंड लास्ट में ये जो इमेज है वो सुल्तानगंज बुद्ध स्टैचू है, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा है जो कि 7th century AD में निर्मित की गई थी, और इसका जो वेट है लगभग 500 किलोग्राम था, यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड से रिलेटेड ये प्रतिमा सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी बिहार से, और वर्तमान में ये जो स्टैचू है वो बर्मिंगम म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी बर्मिंगम में इंग्लैंड में रखी हुई है, और कुछ इस प्रकार के जो है हमें स्टैचू हॉर्स जो है कॉपर स्टैचू हॉर्स जो है वो हमें प्राप्त होते हैं चौसा बिहार में, चौसा से प्राप्त होते हैं, जिनका जो कलेक्शन है वो वर्तमान में पटना म्यूजियम में जो है उनको कलेक्ट किया गया है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुप्त पीरियड उसके बाद तक आते 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 गुप्त पीरियड उसके बाद के कालों में जो है हमें एक्सटेंसिव प्रयोग जो है कॉपर और ब्रॉन्ज का हमें दिखलाई देता है, और मुख्य रूप से उसके बाद चोल पीरियड तक आते आते तो जो ब्रॉन्ज लॉस्ट वैक्स मेथड के थ्रू बनने वाली जो नटराज की मूर्तियां हैं वो वर्ल्ड फेमस हो जाती हैं, और थाउजेंड्स ऑफ नंबर जो है कॉपर ब्रॉन्ज इमेज जो है तैयार की जाती हैं, और बिहार और बंगाल में जो है पाल पीरियड में भी हमें बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण, बुद्ध संबंधित मूर्तियों का निर्माण जो है और ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण जो है पाल काल में भी किए गए थे कॉपर और ब्रॉन्ज के। थैंक यू वेरी मच।